तो अभी हम आ रहे हैं इस रास्ते से, कुछ इस तरह का रास्ता है, एकदम सीधी खड़ी चढ़ाई है, सीधी ढाल है, रेत है, बालू है, मिट्टी है, और ये रास्ता जाता है पदम के लिए, और इधर जाएंगे तो ले पहुंच जाएंगे वाया लिंगशेड। चलते हैं, बढ़ते हैं। तो चलिए, यहाँ से शुरू होती है अपनी लिंगशेड की चढ़ाई, एंड आगे आगे मैं जा रहा हूँ, पीछे शशांक भाई आ रहे हैं, ताकि अगर मैं फंसूँ तो वो आ जाए हेल्प के लिए, या वो फंसे तो मैं नीचे आ जाऊँ, दोनों मतलब आगे ही पीछे रहेंगे, ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं रहेंगे। चलिए, देख के आना पड़ेगा पहले किधर से निकल पाए। निकालोगे? एक सेकंड रुक जाओ, देख ले पहले किधर से जाना है। हाँ हाँ देख रहे हैं। गहरी तो है यार काफी। चले गए अंदर। यहाँ गहरा है यार, यहाँ गहरा है। चलो भाई और अपनी बारी, अपन निकालते हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया, निकल गई भाई, निकल गई। तो हम कर लेते हैं सुशु, और शशांक भाई उधर भूतल भर रहे हैं पॉटी के लिए, और पानी की यहाँ प्रचुर मात्रा है, इसलिए कर लेते हैं, क्योंकि आगे अब चढ़ते ही जाना है, शायद यही रास्ता है जो सामने दिख रहा है। तो अब सीधे चढ़ाई चढ़ते जाना, पहले जांगला पास की, देन फिर सिंगला की, देन फिर इसके बाद सिरसिरला की। तो यहीं पर निवृत्त हो लेते हैं, और जो भी क्रियाकलाप करनी कर लीजिए। सामने पहाड़ क्या मस्त है यार, इधर देखिए एकदम ब्राउन, उधर तीन कलर है उसमें, डार्क ब्राउन, ब्राउन और ब्लैक, और इधर एकदम मटमैला पहाड़, पूरा मिट्टी का ढेर है और कुछ नहीं। ये पूरा रास्ता है तो कच्चा, बट बहुत ही सीनिक है यार, बहुत ही मजेदार रास्ता है। तो एक ही स्टेज में निकालना है, यहाँ फंसे तो बुरा फंसे। शाबाश शाबाश, बस 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 चढ़ गई। राम भाई का वेट कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि फंसना बहुत बुरा। यही रास्ता अभी मैं बोल रहा था, यही एकदम सीधी खड़ी चढ़ाई, चढ़ते चले जाना है ऊपर तक। दो हेयर पिन बैंड कंप्लीट, और ये तीसरी चढ़ाई। चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, भाई की फंस गई, धक्का देना पड़ेगा अब। मैं पहले चढ़ जाता हूँ, यहाँ पे रोकना बेवकूफ़ी है, बीच में कभी मत रोकना, नहीं तो फिर दिक्कत होगी आपको चढ़ाने पे। पीछे वाला अगर फंस जाए थोड़ा वेट कर लो आराम से कहीं पे सही जगह पे, क्योंकि अपनी भी कुछ खास नहीं चढ़ रही।
खड़ी कर लो। काफ़ी मशक्क़त के बाद वहाँ से निकल पाए हैं। पहले तो बाइक नहीं रेस ले रही थी भाई की, और जब रेस ली तो चढ़ नहीं रही थी, तो अभी चल रही है। देख रहे हो कैसे चला रहे हैं पैर के बल पे। ये होता है पुरानी बाइक लाने का नतीजा। मेरी भी पुरानी है, सेकेंड हैंड थर्ड हैंड, पता नहीं कितने लोगों ने चलाई है, और इसकी अगर सर्विसिंग न कराई होती शायद ही ये यहाँ तक आ पाती। बस अभी चल रहा है ऐसे ही रेंगते हुए। चली आ रही भाई, अपने स्कूटी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। बस एक बार में क्लच जितता है उतना ही रहने दो, चुपचाप चलती रहेगी वो, उसको परेशान मत करो, वो सब चली जाएगी। इसीलिए सर्विस करा के लाए यार, बाकी भगवान कृपा है, बस चढ़ती रहे, दिक्कत ना करे। एक बार फिर सिल्वर टॉप पहुंच जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो मैं पिछली बार भी स्कूटर ही लेके आया था। ये सब रोड एडवेंचर एंड स्पोर्ट्स बाइक के लिए भाई, 4x4 के लिए शशांक भाई। इसीलिए कहते हैं थोड़ा शरीर कम कर लो, 100 किलो का वजन झेल नहीं पा रही तुम्हारी बाइक। एक टास्क कंप्लीट करो दूसरा टास्क सामने आ जाता है भाई, एकदम सीधी खड़ी चढ़ाई हर एक मोड़ के बाद। पता नहीं अभी दूर दूर तक तो कहीं निशान नहीं। अरे आराम से आराम से, वेट 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 वेट, रुक जाओ मैं ऊपर खड़ी करके आता हूँ। फिसल गई बाइक, बड़ी समस्या है भाई, बड़ी समस्या है। हिमालयन बुलेट वुलेट ही यहाँ पे चलेंगी, ये सब तो समझ गए ना, वही है भाई। खड़ी करो किसान भाई की बाइक बहुत प्रॉब्लम कर रही है, एंड आई डोंट थिंक कि वो चढ़ पाएगी पूरा, इसको लाद के ही लाना पड़ेगा। एंड आज का वैसे तो हमारा प्लान था खालसी वालसी में रुकने का, बट शायद अब लिंगचर्ड ही रुकना पड़े। लेट्स सी क्या होता है, अगर पीछे से कोई कैंपर वाला आता है तो उसी पे लोड करा देंगे, तो लिंकशेड रुक जाएंगे। नहीं तो फिर अगर वो सीधे चला गया तो फिर सीधे से सिरला होते हुए निकल जाएंगे लामा यूरू खालसी, जहाँ भी अगर जा रहा होगा। तो अभी मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ आगे, बाकी पीछे आता है भाई तो फिर मिलते हैं आगे। रास्ता जितना ही ख़तरनाक है ना, ये उतने ही ज़बरदस्त है भाई। ड्रोन शॉट यहाँ का बहुत मस्त आएगा भाई, बहुत ही ज़बरदस्त, क्या मज़ेदार जगह है। थोड़ा हालत खराब करने वाला रोड है, बट अगर एक बार पहुँच गए ना एकदम डिफरेंट जगह देखने को मिलेगी, और अभी वहाँ ऊपर टॉप तक जाना है एकदम। देखो पहुँच पाते हैं कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता भाई कि बाइक आज चढ़ने से रही। क्या गजब जगह यार, अभी वहाँ पर बैठे थे हम लोग, वहाँ से केवल एक एयरपिन, दो एयरपिन, और ये तीसरे पहुँचा है। अभी ऐसे करके ऐसे ऐसे वो टॉप तक जाना है। हे भोलेनाथ, शशांक भाई की बाइक बहुत प्रॉब्लम कर रही है ऊपर, वो उधर वो
रेड कलर की जो कार दिख रही है वो वेस्ट बंगाल की। अभी नीचे अंकल आंटी मिले थे तो दो लोग हैं, तीन लोग हैं उसमें, दो जेंट्स एक लेडीज और दो बाइकर हैं वो। इसीलिए तो कोई नहीं आता, इतना टफ है यहाँ पे। उसको पता है इसी चीज़ें लेके आएंगे यहाँ फंस जाएंगे हम, इसीलिए कोई आता ही नहीं है। देखो जब से हम आए तब से केवल वही वेस्ट बंगाल की गाड़ी दिखी है और वही पॉल दिखा है बस, और आपने कोई क्रॉस ही नहीं किया। वही बाइक का ग्रुप दिख गया तो दिख गया, वो भी पॉल का ग्रुप है, कोई है ही नहीं साला रास्ते में पूरा, इसीलिए नहीं आते इस रोड पर। इधर से आएंगे साला इतनी चढ़ाई है, हालत ख़राब हो जाएगी। ये एक लास्ट स्टेज और इसके बाद लिंगशेट पहुंच जाएंगे एंड टाइम 3 बजने वाला है एग्जैक्ट, 5-10 मिनट और बाकी है बस ये वाला स्टेज क्रॉस हो जाए, फिर इसके बाद कोई दिक्कत नहीं। सिंगला से सिरला में इतनी चढ़ाई नहीं है, बट हाँ कर्व हैं उसमें भी जिगजैग वाले। फाइनली पहुंच गए हैं मुरगमला पास, ये जांगला पास जो भी कहना हो कह लीजिए। ससांग भाई पीछे हैं, वो आ रहे हैं धीरे धीरे एंड यहाँ पे अब रुकते हैं, कुछ खाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ओम नमः शिवाय। हालत ख़राब हो गई भाई यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। एक मैगी बना देना, एक चाय। हाँ, और ये रहा लिंगशेट, और ये रास्ता ऊपर वाला जाता है सिंगला पास के लिए, सिरसिला पास फोटोस्कर के लिए, और ये नीचे चले जाएंगे तो लिंगशेट विलेज पहुंच जाए। वो जो सामने देख रहे हो आप पूरा लिंगशेट शहर है, मतलब गांव है। मस्त ब्यूटी भाई, मस्त। और इस विलेज की हाइट है 4000 मीटर अबव सी लेवल, तो अभी ऑलमोस्ट हम लोग करीब होंगे 4200 या 4300 मीटर्स की हाइट पे, एंड सिंगला है 5000 पे। इस हाइट पे इस खूबसूरत गांव के पास और इन खतरनाक पहाड़ों और पहाड़ी रास्तों के साथ इसका जो मज़ा है ना भाई, कहीं नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। क्या गजब की खूबसूरत लोकेशन है, बट यहाँ तक पहुँचते पहुँचते लिटरली हालत ख़राब हो जाएगी आपकी। इतना बेकार रास्ता, इतनी भयंकर चढ़ाई है कि आप कोसोगे खुद को, एक पल के लिए आप हार मान जाओगे, बट जब यहाँ पहुँचोगे और सामने वाली सीनरीज देखोगे ना, ऐसे पहाड़ जैसे लग रहा है मिट्टी का ढेर है, आपका दिल खुश हो जाएगा। और इधर ये पहाड़ देखोगे तो ऐसा लगेगा इसमें पता नहीं क्या कर दिया गया, कुर्सी टाइप की बनी हुई है, जैसे भगवान की बड़ी बड़ी कुर्सियाँ नहीं दिखाते हैं वैसे कुर्सी चेयर बनी हुई है। मस्त लग रहा है यार, कुछ भी मतलब आप सोच सकते हो, क्राउन सोच सकते हो, मिट्टी के पहाड़ सोच सकते हो, पथरीले पहाड़, जो आप सोचना है, जो एनालाइज कर सकते हो वो करो। तो अभी इस चाय का आनंद लेते हैं फिर चलते हैं यहाँ से। अभी शशांक भाई आए नहीं है, वो भी आ रहे हैं। हाँ 3:30-4 बजने वाला है। उससे अच्छा तो मैं सब सुबह निकल जाएगा तो आराम से पहुँच जाएगा ले। हाँ मैं भी टाइम से निकल जाएगा। अच्छा तो आज यहीं रुक जाए, आज इधर ही रुक जाओ, 8 बजे निकल जाएगा ना। हाँ 8-9 बजे बाद 9-10-11-12-1-2-3
3-3.5-4 तक आराम से पहुंच जाएंगे, ले पहुंच जाएंगे, आराम से ले पहुंच जाएंगे। अच्छा, यहाँ से कैसा रास्ता है? अब चढ़ाई है? चढ़ाई भी है, थोड़ा बहुत है, इतना ज़्यादा खड़ा खड़ा नहीं है, चढ़ाई है मगर इतनी चढ़ाई नहीं है, ये जैसे खड़ा खड़ा में नहीं है। अच्छा अच्छा, चलो मैगी खा लेते फिर देखते हैं, है ना भाई? हाँ जी, अगर लिंक से रुकना होगा लिंक से रुक जाएंगे। लिंक तो प्लान में एक छोटा सा चेंज है, अभी आगे सिंगला वगैरह ना जाके आज लिंगसेट में ही स्टे करेंगे, क्योंकि 4 बज चुका है ऑलरेडी एंड 7 बजे तक अंधेरा हो जाएगा, इसलिए रात में ट्रैवल करने कोई मतलब है, फोटोस्कर भी नहीं पहुंच पाया, क्योंकि आगे सिंगला के बाद फोटोस्कर में स्टे है या फिर हानुपत्ता में, तो अगर रात हो जाती है फोटोस्कर पहुंचने में, पूरा हाई एल्टीट्यूड एरिया है, तो रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं यार। तो आज का स्टे लिंगसेट में करते हैं, ये रहा लिंगसेट, तो नीचे ही उतरते जाना है, तो स्कूटी अभी ऑफ कर दी है, चलते चले जा रहे हैं। आपका नाम? तेंजिंग नामग्याल। आपका? कितना? आप? आपका इधर तो आओ यार, सब लोग ऐसे नहीं आ पाओगे। हाँ, उनका डोरमा। और आप बताओ, बताओ जल्दी बताओ, आप भूल गए नाम ही अपना। आपका? तुम थे? चलो भाई, लद्दाख के बच्चों से मिलके बहुत अच्छा लगा। लिंगशेट के इनका बता दिया ना, क्या इसका नाम देसर, वो बता ही नहीं रहा, हंसने लगा पहले ही। चलो बाय बाय, कल मिलते हैं सुबह। रुकने के लिए मेहनत करो भाई। अरे वाह, वहाँ गई हैं होम स्टे। अरे वाह, रास्ता देख रहे हो कितना खतरनाक है। चलो मिलते हैं वहीं पे। ऊपर मैगी खाई थी, अब दी रोटी विद जैम, और यही लोकल का बना हुआ है, लिंगशेट विलेज का ही, और ये चाय मस्त एकदम, बहुत ही टेस्टी है। कैसा लगा? अमेजिंग है, मजा आया ना? ऐसी मेहमान नवाजगी मैंने आज तक नहीं देखी। बहुत बढ़िया यार, मतलब हॉस्पिटैलिटी जिसको बोलते हैं ना, जो 5-स्टार होटल में भी आपको नहीं मिलती, बढ़िया मस्त एकदम गांव का जैसा घर होता है ना, कच्चा प्योर लद्दाखी विलेज में इस समय हम लोग बैठे हैं, चंस्कार में आती है बैठी चाय, रोटी जैम सब कुछ, क्या चाहिए यार इससे ज्यादा। इसको एंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे भाई। ये रहा अपना खाना, दाल चावल सब्जी, और यहाँ पे मोस्टली लोग चावल ही खाते हैं, क्योंकि जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है और दिक्कत भी नहीं होती पचाने में, क्योंकि ऑक्सीजन कमी यार जानते हो, हाई एल्टीट्यूड में जब भी आओ ना, खाना पचाने में बहुत दिक्कत, एसिडिटी कब्ज़ ये सब बहुत होगा, तो इसलिए एसी लॉक वगैरह दवाई के साथ दे देते हैं, या फिर आप डायमॉक्स वगैरह ले रहे हो तब भी आपको एसिडिटी वगैरह होगी, क्योंकि खाना पचता नहीं यार। तो शशांक भाई कैसा है? बढ़िया है। बढ़िया है, मस्त, मज़ा आ रही। 8 बज गया ना? 8 बज गया भाई रात का। तो खाना पीना करते हैं, अब सोते हैं, इसके बाद मिलते हैं आपसे कल सुबह नए और फ्रेश व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हैव फन, घूमते रहो घूमते रहो, जय जंस्कार।